हेलो दोस्तों, कुक टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने मटर ले ली है, ये सूखी वाली मटर है। इसकी हम रगड़ा चाट बनाएंगे और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होती है कम ऑयल में। ये हमने एक कटोरी सूखी हुई मटर ले ली है। ये शॉप पे आसानी से मिल जाती है हर जगह, और इसे हम अच्छे से साफ कर लिया है। कोई कंकड़ वगैरह हो तो उसमें निकाल दें, और इसे हम दो तीन बार धुल लेते हैं। इसमें ये डस्ट वगैरह होती है गंदगी, वो निकल जाएगी। और ये देखिए, हाथ से अच्छे से मसल के इसका हम इसे धुल लेते हैं दो तीन बार। ये देखिए गंदगी वो ऊपर आ गई थी, और इसे हम इसमें पानी डाल देते हैं, और इसे हम ओवरनाइट के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। अच्छे से ये फूल जाएगा, और ये हम इसे कवर करके रख देते हैं। इसमें पानी ज़्यादा डालें क्योंकि ये काफ़ी पानी सोख करती है। और अच्छे से फूल गई है हमारी मटर। सुबह को हमने चेक करा, ये देखिए हमारी सूखी हुई मटर कितने अच्छे से फूल गई है। और इसे हम ये पानी डाला था वो निकाल दें और दो बार और धुल दें। ये हमने कुकर ले लिया, इसमें ये मटर हम डाल देते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप कई बार बनाएंगी, अगर एक बार बना ली तो टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है क्योंकि कम ऑयल में है। और एक बार बना ली तो आप ठेले की भी खाना ये चाट छोड़ देंगे। और ये हमने मटर इसमें डाल दिया है, और पानी डाल दिया है एक गिलास लगभग। और इसमें हम नमक डाल देते हैं, और बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा होता है वो डाल दिया है, और हल्दी का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है ये कलर के लिए। और ये बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाला है, और इसे हम कवर करके रख देते हैं। इसमें दो चम्मच ऑयल डाल देते हैं, एक चम्मच या घी भी डाल सकते हैं आप इसमें। बटर वगैरह जो भी आपके पास है वो आप इसमें डाल दें। हमने ऑयल डाला है एक चम्मच, और इसे कवर करके रख देते हैं। इसमें दो तीन सीटी लगा लें, और ये देखिए अच्छे से हमारे मटर छोले उबल गए हैं। और इसे चेक कर लेते हैं एक बार, और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अच्छे से उबले हैं छोले। इसी तरह के हमें ये छोले मटर चाहिए। और ये हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने। इसमें हम एक चम्मच ऑयल डाल देते हैं, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। इसमें हींग डाली है, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी आएगी। और ये प्याज, हमने दो प्याज कट कर लिए हैं। इसमें आधा प्याज अभी डाला है, आधा बाद को डालेंगे। और इसे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लें, इसका कलर चेंज हो जाए। एक टमाटर डाल देते हैं कट करके, और इसे भी थोड़ी देर पकने देते हैं कुछ सेकेंड के लिए। और ये अच्छे से प्याज का कलर चेंज हो गया। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। जैसे तीखा आप खाते हैं उस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हमने काला नमक डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये अमचूर पाउडर और चाट मसाला दोनों ही डाले हैं। और इसमें अभी हम गरम मसाला और डालेंगे, इससे अमचूर पाउडर से खट्टापन और टेस्टी भी होता है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल के इसका मसाला भूंज लेते हैं, और ये देखिए पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और मसाले को अच्छे से भूंजने देते हैं। इसमें ये हमने हरी चटनी ले ली है धनिया और पुदीने की, वो इसमें डाल देते हैं एक चम्मच, और मीठी वाली सौंठ है इसमें वो डाल देते हैं दो चम्मच। अगर नहीं है आपके पास तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मसाले के लिए चटनियों को भूंज लेते हैं, और ये मसाला हमारा अच्छे से भुंज गया। ये टमाटर और प्याज के टुकड़े हैं वो इसे मैश कर लें थोड़े थोड़े, और ये हमारा मसाला भुंज गया। और ये हमने मटर छोले उबाल के रखे थे वो हम इसमें डाल देते हैं अच्छे से, और इसे हम इसमें मसाले में मिक्स कर लेते हैं इस तरह से मसाले के लिए। और ये देखिए अच्छे से, और इसमें छोले कुकर में लगे थे उसमें थोड़ा सा आधा गिलास पानी और डाल दिया है, और इसमें हम इस तरह से डाल देते हैं। और ये हमारी रगड़ा चाट इस तरह से बन जाएगी, और इसे हम थोड़ी देर उबाल आने देते हैं क्योंकि इसमें पानी डाला है अभी। और ये देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, और अभी इसमें थोड़ी सी पतली है ये, थोड़ी देर और इसे पकने देते हैं। और ये रगड़ा चाट बन गई है, और इसे हम इसमें अभी और मसाले डालेंगे इस तरह से, और ये हमारी चाट बन गई। इसमें अभी हम प्याज डाल देते हैं जो हमने बचा कर रखा था वो इसमें और डाल दिया है, और टमाटर भी और डाल देते हैं।
हमने कम ही डाले हैं, आप इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं, खीरे वगैरह, ककड़ी और नमकीन, जो भी आपको पसंद है, पापड़, वो इसमें डाल देते हैं। लेकिन हमने इसमें प्याज और टमाटर ही डाला है और चटनी, और ये हमारी रगड़ा चाट बनके तैयार हो गई है। एक बार आप बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाएं, क्योंकि गर्मी है, कम ऑयल में ये नाश्ता बन जाता है और टेस्टी भी होता है। ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और इतनी टेस्टी है, आप बिना बनाए रह नहीं पाएंगे। ये चाट हमारी बनके तैयार हो गई है। इसमें अभी हमने सौंठ और हरी चटनी और डाल दी है, और नींबू भी निचोड़ देते हैं, आधा नींबू है वो इस पर निचोड़ देते हैं। ये चाट हमारी बनके तैयार हो गई है। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।